परिस्थिति हम बदल सकते नहीं है और इसलिए मनस्थिति बदलो, ऐसा हम बार 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 बोलते रहते हैं। परिस्थिति हमारे कोई कंट्रोल में है नहीं। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग कैसा व्यवहार करेंगे, लोग कैसा बर्ताव करेंगे, लोगों के इमोशंस कैसे रहेंगे, कुछ भी कंट्रोल हमारा परिस्थिति के ऊपर है नहीं। इसलिए हम बोलते हैं कि मनस्थिति बदलो, और मनस्थिति बदलो इसका मतलब है देखने का नजरिया बदलो, देखना बदलो वो परिस्थिति की तरफ। जैसे हम बोलते कि आधा गिलास खाली है कि आधा गिलास पानी से भरा हुआ है, या आधा गिलास पानी से भरा हुआ है और आधा गिलास हवा से भरा हुआ है, गिलास तो पूरा भरा हुआ है, देखने का नजरिया है। तो देखने का नजरिया हम बदलते हैं तो परिस्थिति बदल जाएगी। परिस्थिति में कुछ है नहीं, परिस्थिति परिस्थिति है, लाइफ लाइफ है, उसमें कुछ मीनिंग है नहीं। मीनिंग हम डालते रहते हैं लाइफ में, और वो मीनिंग डालने के बाद में वो मीनिंग हम अंदर घुसा के रखते हैं, लाइफ का मीनिंग, और फिर उसके बारे में चर्चा करते बैठेंगे, अंदर ही अंदर विचार आते रहेंगे, ज़्यादातर निगेटिव विचार रहेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स सब निगेटिव 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 थाट्स रहेंगे, वही रहते हैं। फिर लोग बोलते नहीं, अभी मुझे है ना मेडिटेशन करना है। फिर मेडिटेशन करने के लिए बैठेंगे, मगर यदि परिस्थिति मनस्थिति में घुसी हुई है, मतलब परिस्थिति में जो भी हो रहा है वो यदि अंदर चल रहा है, तो मेडिटेशन का फायदा ही क्या है। लोग बोलते हैं जंगल में जाके प्रार्थना करेंगे, जंगल में जाके मेडिटेशन करेंगे, जंगल में जाके ध्यान धारणा करेंगे, या कुछ लोग संन्यास ले लेते हैं, कुछ लोग 7 दिन का मौन व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग ऐसी संस्थाओं में जाते हैं कि जहाँ कोई डिमांड नहीं है। मैं भी संस्था का कुछ नाम नहीं लूँगा, मगर ऐसी संस्थाएँ हैं आपके आजू बाजू में, आप नाम लो आपको समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। वहाँ कुछ काम नहीं करना पड़ता, वहाँ खाना पीना और सेवा कार्य करना पड़ता है, मगर परिस्थिति से भाग रहे, परिस्थिति भाग रहे, दिमाग में परिस्थिति लेकर जा रहे, और वहाँ इसलिए जा रहे कि अभी ये जो है परिस्थिति वहाँ से भागो और अकेले रहो, वो दुनिया में रहो, वो पंथ में रहो, वो संप्रदाय में रहो, ताकि हमें इसका सामना ना करना पड़े। तो ऐसा भाग के कुछ होने वाला है नहीं, आपको तो सामना करना ही पड़ेगा। और फिर जो सामने आ रहा है उसका पावरफुली हम सामना करते हैं तो उसमें मजा है। जैसा अभी कोविड चल रहा है, कोविड में जैसा हमारे परिचित एक है, वो उनकी डेथ हो गई सवेरे, वहाँ बता रहे थे कि 17 लाशें लाइन में अभी लगी हुई है, एक के पीछे एक नंबर लगाया हुआ है, और 4 घंटे का वेटिंग है। 17 जगह पे वो लाश मतलब जल रही है, और 2 और वेटिंग है, और बाद में और जो लाशें आ रही है उनका भी वेटिंग चालू है, और जो लाशें जलाने वाला है वो 1,000 रुपये ले रहा है, 1-1,000 रुपये जलाने के लिए। तो अभी तो बहुत आने की बाकी है। तो परिस्थिति अभी ये भीषण है, मगर लोग अभी टूट रहे हैं, उसका सामना करना लोगों को कठिन हो रहा है, डरे हुए हैं, एक के पीछे एक जैसे अपन बोलते हैं टपक रहे, वैसे टपक रहे हैं, पता नहीं आज चलता फिरता आदमी चले जाता है। तो हमको मनस्थिति शांति के रखना जरूरी है, मनस्थिति में शांत रखना, और जो आ रहा है उसका सामना करना वही भी अपने हाथ में है। अभी तो ये कोविड है करके, मगर अदरवाइज ऑल्सो भी अपने लाइफ में हो सकता है कि आपको शेयर में लॉस हो जाए, हो सकता है कि आपको नौकरी में लॉस हो जाए, गमाना पड़े, हो सकता है कि प्रमोशन ना मिले, हो सकता है फाइनेंशियल लॉस हो जाए, हो सकता है कि पति पत्नी में बेबनाव है, बच्चा पालन पोषण नहीं कर रहा है, या पिताजी ने घर से निकाल दिया है, हो सकता है कुछ भी, मगर हम क्या उसको पावरफुली डील कर रहे हैं क्या? परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं, मनस्थिति हाथ में है, और इमोशनली चार्ज होकर हम डील कर रहे हैं कि इंटेलेक्चुअली उसको डील कर रहे हैं, वो महत्व का है। तो हमको ये देखना है कि परिस्थिति मतलब जो हो रहा है वो हो रहा है, उसको निगेटिव मीनिंग देने का नहीं है, उसको नकारात्मक सोच देने की नहीं है, कुछ सिग्निफिकेंस देने का नहीं है, जो हो रहा है वो हो रहा है, उसको अंदर लेके अशांत करना अपना दिमाग, और अशांति से जीवन जीना, इसके बदले जो भी हो रहा है उसको पावरफुली मीनिंग देना है, पॉजिटिव मीनिंग देना है, जो पावरफुल करेंगे आपको वो मीनिंग देना है, और उसका सामना करना है, ये हम कर सकते हैं, ना कि परिस्थिति को बलि पड़ के डिप्रेशन एंग्जाइटी में जाना। अगर आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, अभी बहुत लोग टेंशन में एंग्जाइटी में हैं, और ये यदि लोगों को समझता है तो जीना अच्छा हो जाएगा, शांति का हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।